हाय गाइस, मिस्टीरियस एंड यूट्यूब चैनल के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज मेरे पास है ये लट्टू। गाइस, ये वो लट्टू नहीं है जो आप बचपन में चलाया करते थे। हाँ, ये कुछ उसी की तरह है, लेकिन ये उसका काफ़ी एडवांस वर्जन है गाइस। इसलिए गाइस मैं इसे साइंस का लट्टू नाम से भी संबोधित कर रहा हूँ। गाइस, बेसिकली जो इसे टेक्नोलॉजी की भाषा में जायरोस्कोप बोला जाता है, गाइस ये वही जायरोस्कोप होता है जो हमारे मोबाइल के अंदर होता है और ओरिएंटेशन को बताने के लिए एज ए सेंसर यूज़ किया जाता है। तो गाइस, वो तो बहुत छोटे छोटे जायरोस्कोप होते हैं जो हमारे मोबाइल के अंदर लगे होते हैं। गाइस, ये एक बड़ा जायरोस्कोप है। तो गाइस, जायरोस्कोप में क्या होता है, ये एक स्पिंडल लगा है और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, और जब हम इसके एक्सिस को चेंज करते हैं तो इसमें एक एंटी कपल जनरेट होता है। वो गाइस इसकी स्टेबिलिटी को इतना ज़बरदस्त रूप देता है कि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट भी खड़ा रहता है। और गाइस, अगर हम इसके जो एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज करेंगे अपने हाथ से, तो हमें भी एक हल्का सा फोर्स और कपल टाइप का अपने हाथ पे महसूस होगा गाइस। तो चलिए गाइस, इसी के बारे में आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे घुमाते हैं, और इसके बाद 5-6 पार्ट्स में आपको वीडियोस में दिखाऊंगा इसकी स्टेबिलिटी कितनी लाजवाब होती है गाइस। इसको घुमाने के लिए गाइस एक छेद होता है, इसके अंदर से धागे को पार किया जाता है। ये धागा इसी के साथ आता है, और इसको अगर खरीदना है तो आपको इसका मैं अमेजन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। गाइस, इसको घुमाने के लिए पहले इस धागे को लपेट देते हैं। जब ये धागा पूरी तरह से लपेट जाता है, फिर इसे जोर से पकड़ के ऐसे खींच देते हैं। अब देखिए गाइस, वो जो बचपन वाला लट्टू था वो एक जगह छोड़ के वहीं घूमता था, इसे हम कहीं भी रख देते हैं वहीं स्टेबल हो जाता है। ये देखिए गाइस, तो है ना एक कमाल की चीज़। और गाइस, अगर ये घूम नहीं रहा हो तो अब देखिए, हम इसे कैसे भी रखेंगे ये गिर जाएगा, यानी कि इसका कोई भी मतलब नहीं है। और वही जब हम इसे घुमा देते हैं तो इसकी जो स्टेबिलिटी होती है ग्रेविटी के अगेंस्ट, वो देखने लायक होती है गाइस। ये देखिए, एक बार इसे और घुमा के दिखाता हूँ मैं आपको। अगर गाइस मैं इसे ऐसे ऐसे करता हूँ तो ये देखिए एंटी कपल जो है मुझे भी महसूस हो सकता है साफ साफ। और गाइस, इसकी जो स्टेबिलिटी है, जो एंटी कपल जो टॉर्क होता है, आई ओमेगा ओमेगा पी होता है, यानी कितनी स्पीड से घूम रहा है और कितनी स्पीड से अपने एक्सिस को चेंज कर रहा है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इस पर डिपेंड करता है। ये तीनों चीज़ें जितनी ज़्यादा होंगी गाइस, उतनी इसकी स्टेबिलिटी अच्छी होगी। अगर हम ओमेगा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो गाइस इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इतनी लाजवाब होगी कि हम इस एक छोटी सी सुई के ऊपर भी इसे बैलेंस करा सकते हैं गाइस। ये वो लाजवाब डिवाइस है कि अगर हम इसके ओमेगा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इतनी ज़बरदस्त हो जाती है कि एक छोटी सी पिन के ऊपर भी टिक जाए। चलिए गाइस, अब मैंने इसकी जो 5-6 पार्ट्स में वीडियो बनाई है उसको देख लेते हैं, वो इसकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। सो लेट्स बिगिन।
गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग से रिलेटेड कूल और अच्छी चीज़ें अपने चैनल पे लाता रहता हूँ गाइस। और एक बात और, हमने एक इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है गाइस, वो थ्योरी बेस्ड है पूरा, प्रैक्टिकली तो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। तो गाइस, हमारे इस चैनल के माध्यम से एक मुहिम है कि हम जो है हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली ट्राई करना चाहते हैं गाइस। साइंस फिजिक्स की किताबों में हर एक लिखे हुए छोटे से छोटे क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली ट्राई कर सकते हैं। हर चीज़ का एक प्रैक्टिकल मतलब है गाइस। तो गाइस, अगर आप वही सब चीज़ें सारी चीज़ें प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो गाइस प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे गाइस, हम हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे। तो गाइस, बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।